चुके हैं। तो लेट अस हैव द केस ऑफ डाइफ्रेक्शन ऑफ लाइट बेटा, डाइफ्रेक्शन ऑफ लाइट, दिस इज द टॉपिक वी आर टू बिगिन विद, डाइफ्रेक्शन ऑफ लाइट। एंड हियर इन दिस केस वी विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइनिंग द डाइफ्रेक्शन, देन वी विल गो फॉर विद द टाइप्स ऑफ डाइफ्रेक्शन, एंड देन वी विल बी एक्सप्लेनिंग द डाइफ्रेक्शन एट द सिंगल स्लिप दैट इज प्रेजेंटली इन अवर सिलेबस। सो इंटरफेरेंस की जो जितनी भी एप्लीकेशन है उनको एक बार आप, जैसे हमने कंप्लीट कर रखा है उनको एप्लीकेशंस को, सारी एप्लीकेशंस को भी एक बार ध्यान से फिर से पढ़िएगा ताकि आपको कोई भी डाउट जो है वो ना रहे। सो आइए प्रोसीड करें, डाइफ्रेक्शन ऑफ लाइट क्या है। डाइफ्रेक्शन ऑफ लाइट जो है बेटे, इट इज डिफाइंड एज bending of light around the sharp edged obstacles when the light is made to fall on it. So it is defined as the bending of light around the sharp edged obstacles into the geometrical shadow region. Geometrical shadow region. What do we mean by this region of geometrical shadow and how it all happens? Let us concentrate upon this video. Imagine kariyega, this is the source of light available with us, and when we suppose have this fine slit in the path of the rays of light coming from this source, let us consider that this is the screen, and from this source one ray of light when it is falling up to this particular position, second ray of light when it is falling up to this particular position, we expect that these two rays of light will be propagating directly up to the screen in this manner. And here beyond this region, this is the bright region because light is available in this part of the screen, and here we expect dark region. Here do we again expect dark region, but what actually happens, the light, it even enters into this dark region. This is called the encroachment of light, and here it is also entering into the dark region. This is called encroachment of light. So I just want to again define diffraction as the encroachment of light into the regions of geometrical shadow when light is made to fall on an obstacle or light is made to fall on a slit. So let us once again define diffraction. So diffraction jo hai, diffraction may also be defined, defined as the encroachment of light into the region of geometrical shadow when made to fall on a slit or an obstacle. So this is the point. अब आपको ये स्लिट वाला तो इंडिकेट कर दिया, दिस इज द फाइन स्लिट बेटा,
बहुत ज्यादा बड़े साइज की नहीं है। अगर आप कुछ इस तरीके से मैनेज करें, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, और यहाँ पे आपने बोले एक ऑब्स्टेकल रख दिया लाइट के पास में, दिस टाइम एक रे ऑफ लाइट जब इस ऑब्स्टेकल के टॉप एंड से जाएगा, वी एक्सपेक्टेड टू मूव इन दिस मैनर एंड द लाइट इट इज गोइंग फ्रॉम दिस पार्ट, वी एक्सपेक्टेड टू मूव इन दिस मैनर अप टू दिस पर्टिकुलर पोजिशन एंड हेयर इफ वी हैव द स्क्रीन, ये वाला रीजन आप डार्क एक्सपेक्ट करते हैं, दिस इज द ब्राइट वन, दिस इज द ब्राइट वन एंड हेयर दिस इज द ऑब्स्टेकल। बट वट एक्चुअली हैपन्स इज दैट सम लाइट इट एंटर्स इन टू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल डार्कनेस आल्सो दिस वे। सो ये वाला जो है दिस इज कॉल्ड एनक्रोचमेंट ऑफ लाइट इन टू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो, और ये जो एनक्रोचमेंट है बेटे इसी को ही हम डाइफ्रेक्शन ऑफ लाइट जो है ये बेटे कह देते हैं। और बेटे डाइफ्रेक्शन ऑफ लाइट जो है इसके लिए एक बड़ी जरूरी कंडीशन है कि अगर आप बेटे वेवलेंथ ऑफ द लाइट जो यूज कर रहे हो, लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट बीइंग यूज्ड है, सपोज दैट बेटा द लेमडा इट इंडिकेट्स द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एंड स्मॉल डी दिस इज द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल, बेटे कितना ऑब्स्टेकल का आपने साइज रखा हुआ है ये इसका साइज इंडिकेट कर देता है। देन बेटे मिनिमम डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे आपको अपना जो है ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट रादर प्लेस करना है, दैट मस्ट बी इक्वल टू बेटा डी स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स द वेवलेंथ लेमडा, ये बड़ी जरूरी कंडीशन है बेटा। सो इस कंडीशन को अगर हम सेटिस्फाई करेंगे तभी हमें डाइफ्रेक्शन पैटर्न विजिबल हो पाएगा। अगेन मैं रिपीट करता हूं बेटा, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द ऑब्जर्वर शुड बी फ्रॉम द ऑब्स्टेकल टू ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लेमडा, एंड वी फर्दर मोर इमेजिन दैट बेटा द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल इज डी, तो आपको कम से कम सोर्स से इतनी डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू माइन्यूटली सी द डिटेल्स ऑफ द डायफ्रेक्शन पैटर्न एज ऑब्जर्व। अब बेटे इसके बाद हमारे पास बात आ जाती है डायफ्रेक्शन बेटे कौन कौन सी टाइप्स का होता है, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन द टाइप्स ऑफ डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट बेटे। टाइप्स ऑफ डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट, इस केस में हमारे पास में प्रोमिनेंटली दो टाइप की डाइफ्रेक्शन है, वी हैव फ्रेजनल्स फ्रेजनल्स डाइफ्रेक्शन एंड सेकेंडली वी हैव फ्रॉनहोफर्स डाइफ्रेक्शन, फ्रॉनहोफर्स डाइफ्रेक्शन क्या फर्क है दोनों में, आइए जरा समझें बेटा। जो फ्रेजनल्स क्लास ऑफ डाइफ्रेक्शन है बेटे इसमें आपके सोर्स से लेकर स्लिट तक का डिस्टेंस, देन फ्रॉम द स्लिट अप टू द स्क्रीन, ये दोनों डिस्टेंसेस जो है दीज आर फाइनाइट डिस्टेंसेस। वंस अगेन इन फ्रेजनल्स क्लास ऑफ डाइफ्रेक्शन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द स्लिट एंड देन द स्लिट एंड द स्क्रीन दिस इज फाइनाइट डिस्टेंस। बट वेन वी टॉक अबाउट फ्रॉनहोफर्स क्लास ऑफ डाइफ्रेक्शन वी ऑलवेज से दैट ओवर हियर द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द स्लिट एंड द स्क्रीन इज नॉट फाइनाइट, इट इज इनफाइनाइट डिस्टेंस। सो सच ए क्लास ऑफ डाइफ्रेक्शन इज कॉल्ड फ्रॉनहोफर्स क्लास ऑफ डाइफ्रेक्शन। सो अगेन इन द केस ऑफ बेटा फ्रेजनल्स क्लास ऑफ डाइफ्रेक्शन we let us define these one by one these terms. Fresnel's diffraction is that type of diffraction in which the distance between the source of light, the source of
light and slit and slit and screen is finite. So that we call as Fresnel's class of diffraction. Iska example abhi we were discussing. Imagine this to be the source of light, and from the source of light, light rays will be emerging, and here we have placed the fine slit, and here we have the screen also. So if we view it, this distance, this is finite, this distance, this is also finite distance. Ye aapke paas slit hai, ye aapke paas screen hai. Or this distance is finite, this distance is also finite. So Fresnel's class of diffraction that can be represented with this type of setup. But when we talk about Fraunhofer's class of diffraction, we say that the distances are not finite. Fraunhofer's diffraction आपका सोर्स ऑफ लाइट से स्लिट तक का ये वाला डिस्टेंस, स्लिट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस, ये इनफाइनाइट हो जाता है. तो यू विल से दैट बेटा डिस्टेंस ऑफ द स्लिट फ्रॉम द सोर्स एंड डिस्टेंस ऑफ द screen the slit is infinite. So aisi diffraction jo hai isko hum bete bolte hain Fraunhofer's class of diffraction. Is case mein aapke paas ek source of light yahan pe hota hai, and ye jo aapki incident rays of light hain, these are propagating in this manner. On the way we have to place one lens which converts these divergent rays into the parallel rays, and here this is infinite distance. Jitna marzi dur le jaiye inko, you place a fine slit over here. This is the part where you can assume the slit to be present. Ab ye rays of light to aapki focus hongi nahi because these are parallel. That's why it's infinite distance. यहाँ पे स्क्रीन पे फोकस करने के लिए यू हैव टू प्लेस वन फोकसिंग लेंस ओवर हियर आल्सो. तो ये जो रेज ऑफ लाइट है आपकी, ये मूव कर रही है ऑटोमेटिकली, विल फोकस एट सम पॉइंट. सो ऐसी जो डाइफ्रेक्शन की टाइप है, इसको बच्चों फ्रॉनऑफर क्लास ऑफ डाइफ्रेक्शन कहते हैं. एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, ये वाला डिस्टेंस जो है सोर्स से लेकर स्लिट तक का, ये फाइनाइट नहीं है, ये चेंज होता रहता है. आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं एज पर योर नीड. और आपका स्लिट से लेकर स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है, इट इज अगेन नॉट फाइनाइट, इट इज इनफाइनाइट डिस्टेंस विच कैन बी मैनेज्ड एज पर अवर ओन विल. सो इन दिस वे बेटा ये जो डाइफ्रेक्शन की क्लास है, ये फ्रॉनहोफर्स क्लास ऑफ डाइफ्रेक्शन आप को लेके चलते हैं. और अब आपकी बेटा डाइफ्रेक्शन ऑफ लाइट एट ए सिंगल स्लिट, ये आपके सिलेबस में सिंगल आर्टिकल है. लेट अस प्रोसीड विद दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, और वी कैन कंप्लीट द डाइफ्रेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द सिंगल स्लिट. लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर हैविंग ए सिंगल फाइन स्लिट प्रोवाइडेड विद ए सोर्स ऑफ लाइट, और द डाइफ्रेक्शन ऑफ लाइट विल टेक प्लेस, और वी कैन ड्रॉ the corresponding ray diagram and all that beta. So diffraction of light at a single slit. So we have to focus upon this one. Single slit se diffraction kaise hoga? Imagine this to be the source of light. These are the divergent rays of light. On the way you place
one fine slit. Incident rays of light, these when allowed to fall in this particular slit, which are, these will not get focused. These will definitely approach infinity. Now, in order to see this wavefront, this is diverging wavefront. In order to convert it into the parallel beam and plane wavefront, you have to place one lens in the path of these two rays of light. And what this lens will do, it will convert this spherical wavefront into the plane wavefront. Or आपका incident ray of light जो है, जो दो rays diverge कर रही थी, these are now converted into two parallel waves. Or in the middle over here, suppose you have managed this fine slit, or slit का जो width है, let it be small d. A, B, it can be named as such. कभी भी focus नहीं होगी, because parallel rays हैं. These will continue their journey as such till infinity. But we focus these on the screen. So you can make use of this focusing lens. This is called focusing lens over here. And at this point, you can have the screen. This incident ray of light, it will get focused at this particular point. This ray of light will also get focused. So in this way, if we say that the ray of light coming from the middle also is considered or taken into account, this ray is expected to reach at this point. But then the direction of light is very prominent one. We always come across the diffraction phenomena beginning with this particular point, starting with this particular point. So these two rays of light, these will also be getting focused after diffraction at point P. And let us imagine that here this is our observation point. This S point O, ये जो आपका separation है, इसको capital D R. Width है, it can be managed as a middle point को C point A से और B से जो rays P point पे पहुंच रही हैं, इनके बीच में perpendicular distance निकाल लीजिए. This may be drawn as the normal with this point as point A. A point, B point, N point बिटे. इस ट्रेंगल में जो A से और B से P point पर रेस पहुंच रही हैं, इनके बीच में आपको पाथ डिफरेंस निकालना है. उस पाथ डिफरेंस के बेसिस पे हम अपना डिफ्रेक्शन पैटर्न जो है वो बनाकर उसको अकॉर्डिंगली स्टडी कर पाएंगे. ये राइट एंगल है, इस एंगल को मैं एंगल थीटा कह देता हूँ. EM, this is the perpendicular divided by your AB. This is the hypotenuse BN upon AB. ये आपका AN base हो जाएगा triangle का. This is equal to sine of angle theta. ABN triangle में ये AN base है, AB hypotenuse है, BN perpendicular है. तो we want to calculate this angle theta, sine theta rather. It will be this BN divided by AB. Actually आपका जो BN है बेटा, ये आपको indicate कर देता है पर distance between the two rays meeting at point P from A and from point B. तो BN आपका path difference जो है, this is A B sine theta. B AB आपने slit width D के बराबर कह रखा है, sine of angle theta. This is as such. तो path difference आपने दोनों rays के बीच में निकाल लिया,
साइन थीटा के बराबर। अब इस पाथ वेक्टर की डायरेक्टिविटी हम फर्दर को डिस्कशन पॉइंट पी पे मिनिमा बन जाए, मिनिमा पी पॉइंट पे मिनिमा कैसे बनेगा। मिनिमा के लिए आपका जो ए से और बी से रेज पी पॉइंट पे पहुंच रही है, पी से बी से अगर पाथ डिफरेंस इमेजिन कर ले लैम्डा के बराबर है, तो आपका वहां पर मिनिमा जो है ये बन जाएगा। हम किस बेसिस पे है मल्टीपल ऑफ लैम्डा इवन सपोज ए टू बी लैम्डा, तो ए से एंड सी से जो दो रेज पहुंच रही है दे मस्ट बी हैविंग पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2। सी से और बी से जो है इनके बीच में भी लैम्डा बाय 2 होगा। सी पॉइंट एग्जैक्टली आपने मिडल ऑफ द स्लिट के बीच में एडजस्ट कर रखा है। ए से और सी बी से यहां से रेज जो पी पॉइंट पे पहुंच रही है दे आर हैविंग ए पाथ डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा, इट विल मीन दैट हियर विल बी लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, टोटल पाथ डिफरेंस इज गोइंग टू बी लैम्डा। सो इन दिस मैनर अगर ए से और सी से जो रेज आ रही है इनकी आप बात करो, इसमें फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस कैसे रिलेटेड है, इसमें सर आपकी आवाज कट रही, सुन नहीं रहा। और पाथ डिफरेंस कैसे रिलेटेड है, सर क्या कह रहे, सुन नहीं रहा सर। जो है डिफरेंस दिस इज इक्वल टू टू पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो ए से और सी से जो रेज आ रही है इनके बीच में लैम्डा बाई 2 फेज पाथ डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा पाई। ये जो दो रेज आ रही है ए से और सी से, दीज आर मीटिंग आउट ऑफ फेस। सो ऐसे ही जो रे आपकी सी से और बी से पी पॉइंट पे आ रही है, इट इज ऑल्सो हैविंग ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई एंड दीज विल ऑल्सो बी मीटिंग आउट ऑफ फेस। सो इट विल मीन दैट कि जो टोटल पाथ डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू बिटे लैम्डा, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 ऐड कर लोगे, और अगर लैम्डा पाथ डिफरेंस है दोनों के बीच में तो पी पॉइंट पे आपका डेफिनेटली मिनिमा बनेगा। सो वी जनरलाइज दिस कंडीशन दैट इट इज मिनिमा की फॉर्मेशन के लिए जो पाथ डिफरेंस है बेटा दैट मस्ट बी इक्वल टू बी एन एंड इट शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस वेवलेंथ लैम्डा। ये आपका बेटे जो है पाथ डिफरेंस बी एन, ये डी साइन थीटा आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, इट शुड बी इक्वल टू लैम्डा डी साइन थीटा, इट शुड बी ट्वाइस लैम्डा और इट शुड बी डी साइन थीटा जो है इट शुड बी इक्वल टू एन टाइम्स द वेवलेंथ लैम्डा। सो दिस इज द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ योर मिनिमा एट पॉइंट पी, एंड इफ वी होल्ड ऑन टू दिस मिनिमा इन दिस मैनर वी विल बी हैविंग दिस मिनिमा फॉर्म। Similar point will be existing at the lower portion also. Over here, let us further proceed with the formation of the maxima. This is all the minima is formed. Ab minima ke baad maxima kaise banega? Maxima ke liye aapki jo condition hai, ye bete is condition ke bilkul reciprocal ho jayegi. Or you will say that ki in this case, जब आप मैक्सिमा की बात करोगे आपका जो पाथ डिफरेंस है 2n + λ/2 बराबर आ जाएगा, और
आप अपने पाथ डिफरेंस की जब बात करते हैं निकालने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, तो यू विल से दैट कि डी साइन थीटा जो है, डी साइन थीटा 2n+1 टाइम्स हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, इसके बराबर जब आप इसको मैनेज करोगे योर मैक्सिमम। व्हाट डज इट इंडिकेट देन बेटा? इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका ये थोड़ा सा फोकस करिएगा, अगेन सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा ऑन द अदर साइड, थर्ड मिनिमा, फर्स्ट सेकंड थर्ड मिनिमा ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। Let us furthermore concentrate upon the calculation of this central fringe width. अब आपकी ये fringes बन गई हैं screen पर, ये आपका central bright, second सेंट्रल मैक्सिमा भी इसको आप कह देते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा, और ये आपका फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा। सो सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ आपको फर्स्ट मिनिमा जो है ये बच्चों मिल जाता है। अब थोड़ा सा फोकस करिएगा, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कैसे निकाल सकते हैं बेटा? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, हाउ टू वर्क आउट दिस विड्थ बेटे? ये वाला ट्रायंगल देखिएगा, सी एंड पी एंड ओ, दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये एंगल आपका थीटा ही रहेगा, बिकॉज एज इज द एंगल बिटवीन द टू लाइंस सो इज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस आप एक्स मान लीजिए, ये वाला डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस आपका, ये अदरवाइज आपका डिस्टेंस आप ऑलरेडी कह चुके हो, स्क्रीन से लेकर स्लिट तक का डिस्टेंस बता। तो इस केस में आप ट्रायंगल सी पी ओ, इस ट्रायंगल पे फोकस करिएगा, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा दिस इज इक्वल टू एक्स अपॉन कैपिटल डी, और आपने ये फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन बेटे प्रेजेंटली डिराइव कर रखी है कि जो डी साइन थीटा है इट इज 1 टाइम्स लैम्डा, 1 को ओमिट कर दिया, साइन थीटा इज लैम्डा बाय स्मॉल डी, एंगल थीटा जो है इट इज वेरी स्मॉल, और अगर एंगल स्मॉल है टेन थीटा और साइन थीटा दीज आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, इट कैन बी रिटन एज साइन ऑफ एंगल थीटा, इनको दोनों को कंपेयर किया जा सकता है। स्मॉल एक्स अपॉन कैपिटल डी इज लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, एक्स इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, दिस इज द हाफ विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। आपको कंप्लीट विड्थ निकालने के लिए यू हैव टू डबल दिस बेटा। सो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा जो है, विड्थ calculated, so this is 2 lambda d upon small d. So this is the way we calculate the width of the central maxima and all that. इसके बाद हमारे पास और भी काफी derive करने वाली है, so we will be deriving those, or we derive those. Point आपको अगर नहीं पता चला तो मुझे बताइए, so that the same can be repeated. सिया, वंशिका, अरुषि, सुनीत, क्षितिज, मानिया, सुप्रिया, क्षितिज, सुनीत।
यस सर। ईशपुरीत बेटे कोई डाउट वाली बात है तो बताइए। नहीं सर। हाँ जी सर। ऑल क्लियर। यस सर ऑल क्लियर। सर आपके ना सर आज माइक में प्रॉब्लम है, कुछ सुन काफी कम सुन रहा है, कुछ सुन नहीं रहा। इट शुड नॉट बी देयर। आई एम पॉसिबली इन द बेस्ट लोकेशन, वेरी नियर टू योर वाईफाई सेटअप। चलिए कोई बात नहीं। माइक में प्रॉब्लम है सर, माइक में सर माइक की तार लूज है, वो हिल रही है यहाँ से नहीं सर, वो अंदर से सीपीयू से। इट शुड नॉट बी देयर बेटे। सीपीयू तो चेक करवा के ही लगे थे हम। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको कोई लगेगी पॉइंट डिस्कशन वाली तो दैट कैन बी रिपीटेड ऑल्सो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कहोगे तो मैं जी सर सारा ही जी। दोबारा करवा दूंगा, ठीक नहीं है? नहीं सर ऐसी कोई बात ही नहीं सर, ऐसा भी बात नहीं। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं यहीं पे बेटे रुक जाता हूं, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम बेटे। क्लियर पुनीत? यस सर। ठीक है बेटे, इसको ना आप एक दो बार लिख के जरूर देखना बेटे, बिकॉज अगर आप इसको लिख के देखोगे तभी आपको जो ये मैथमेटिकल डिटेल्स हैं इनको कैसे हैंडल करना है यू विल फील इजी। अदरवाइज ए लॉट ऑफ मैथमेटिक्स इज इन्वॉल्व्ड। मैं ब्रीफली एक बार बेटे रिपीट भी कर देता हूँ, आपका सोर्स ऑफ लाइट है ये आपके पास बेटे, इसने स्फेरिकल वेव फ्रंट दे दिया, स्फेरिकल वेव फ्रंट को आपने प्लेन वेव फ्रंट में बदलने के लिए एक लेंस प्लेस किया L1 आप इसको कह सकते हो, दीज रेज आर पैरेलल, इनको अगेन फोकस करने के लिए एक लेंस L2 आपको प्लेस करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड फोकसिंग लेंस बेटे। इसके बाद ये तो रेज आपकी डायरेक्टली ओ पॉइंट पे मीट कर रही थी, यहां से डाइफ्रेक्टेड रेज को ऐसे इंडिकेट किया गया है, आपने पी पॉइंट पे पहुंचने वाली रेज ए से और बी से जो है इनमें पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है बेटा, और वो जो पाथ डिफरेंस है इन दिस ट्रायंगल ए बी एन दैट इज इक्वल टू बी एन, और इस ट्रायंगल में आप बी एन को डी साइन थीटा के बराबर बच्चों कैलकुलेट कर सकते हो। फिर डी साइन थीटा को आपने इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ के बराबर प्रूव करके ये कह दिया कि ये आपका फर्स्ट मिनिमा है दिस पोजिशन, और अगर आपकी कंडीशंस ऐसे रेसिप्रोकेट कर दें आप तो वहां पे मैक्सिमा बना चला जाता है। तो डियर चिल्ड्रन इस केस में डिफ्रेक्शन के केस में इंटरफेरेंस से थोड़ा सा अलग है, इसमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बड़े साइज की है, फिर ये उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और ऐसे ही इंटेंसिटी जो है डिफ्रेक्शन पैटर्न की ये भी कम होती जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स इसको एक बार जरूर देखिएगा, लिख के देखिएगा, अगर आपको कोई दिक्कत लगेगी मुझे बताइएगा, आई विल रिपीट दैट। So, presently I am ending the meeting. Thank you all, beta.